बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानू की खूबसूरती और अभिनय के लोग आज भी दीवाने हैं। 23 अगस्त 1944 को जन्मी सायरा बानू 17 साल की उम्र में जंगली मूवी में नजर आई थी। दर्शकों को सायरा इतनी पसंद आई कि वो अपनी पहली मूवी से ही स्टार बन गई। साल 1964 में दूर की आवाज, आओ प्यार करें, आई मिलन की बेला और अप्रैल फूल जैसी हिट फिल्मों ने उनको बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारों में शामिल कर दिया। उनके जन्मदिन पर दिलीप कुमार और सायरा के प्यार का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार और खूबसूरती का दूसरा नाम सायरा बानो की प्रेम कहानी भी बेहद रोमांटिक है। बॉलीवुड के इस कपल के फैन इस बात को बखूबी जानते हैं कि सायरा शुरू से ही दिलीप कुमार की फैन थी। ये 1966 का साल था। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने अपने मोहब्बत के ऐलान का फैसला कर लिया था। दिलीप कुमार पर वैसे तो देश विदेश की कई लड़कियां जान छिड़कती थी, लेकिन उन्हें सायरा बानो पसंद आई। सायरा उनसे 22 साल छोटी थी। शादी के समय दिलीप की उम्र 44 थी, जबकि सायरा की 22। 12 साल की उम्र से सायरा दिलीप को दीवानों की तरह चाहती थी। जब ये चाहत दिलीप कुमार के सामने आई तब उनकी उम्र 44 की थी और सायरा उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी। दो बार प्यार में नाकामयाब रहे दिलीप सायरा में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। आखिरकार दोनों ने 1966 में बिना किसी को बताए शादी कर ली। दिलीप साहब के प्यार में सायरा इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने दिलीप कुमार को इम्प्रेस करने के लिए उर्दू और फारसियन तक सीखी। जब भी बॉलीवुड सितारों की प्रेम कहानियों की बात आती है तो सायरा बानो और दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। शादी के इतने साल बाद भी सायरा और दिलीप का रिश्ता उतना ही मजबूत है। जिंदगी के हर मोड़ पर दोनों एक दूसरे के साथ दिखते हैं। रिपब्लिक हिंदी परिवार की ओर से सायरा बानो को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना ना भूलें।